हाँ भैया चले जाओ, सब चले जाओ, मुझे बीच में दबा दो तुम सब। लेफ्ट में और राइट में हर जगह पिंक ही पिंक। तो अब टोल पर जाम मिल गया क्या? वो ग्रीस टाइप कुछ निकल रहा है। तो कुत्ते साइड में हो, देखना ऐसे ऐसे जाते हैं। हाँ तो भाई मैं जो है निकल गया हूँ बुआ के यहाँ से ग्वालियर के लिए, और 11:30 मैं बोल रहा था लेकिन 1 बज गया है, और अब निकलते निकलते 1:15 बज गया है। अब ये सिटी के अंदर से होता हुआ ले जाएगा, थोड़ा ट्रैफिक में जूझेंगे थोड़ी देर, उसके बाद पकड़ेंगे अपन अपना हाईवे। भाई शहर के ट्रैफिक ने तो मेरी हालत ही ख़राब कर रखी है, इतना बुरा ट्रैफिक यार। अच्छी खासे ठंडे मौसम में भी गर्मी हो रही है, पसीने आ रहे हैं अंदर ही अंदर। हाँ भैया चले जाओ, सब चले जाओ, मुझे बीच में दबा दो तुम सब। अरे चलो यार, ये है भाई पिंक सिटी। लेफ्ट में और राइट में हर जगह पिंक ही पिंक। इनके पास और कोई कलर नहीं है, जब देखो तब इसी को पोत देते हैं। अलग अलग कलर से करते हैं, थोड़ा यार इंटरेस्टिंग लगता। और नाम भी हो गया पिंक सिटी, तो अब और कुछ करेंगे भी नहीं है, इसको पिंक ही रहने देंगे। तो कहाँ पिंक यार, मेरे को तो ऑरेंज लग रहा है, ऑरेंज सिटी बोला करो इसे। कुछ भी बोलो यार, मुझे जान दो बस यहाँ से। चलो तो भैया फाइनली मैं उस सिटी से बाहर आ गया हूँ, सिटी क्या उस जंजाल से बाहर आ गया हूँ। ये मिल गया मुझे हाईवे भरतपुर तक का। देखो अब टोल पर जाम मिल गया। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस तो कवर कर लिया मैंने, धंधा नाते हुए आ रहा था मैं तब से। ज़्यादा नहीं है, ये ट्रक व्रक साले ये बीच में खड़े जाते हैं, इस चीज़ को जाम है। अच्छा बैरिकेड्स, बैरिकेड्स का जाम है। Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. अब थोड़ा रुक लिया जाए, ये जगह ठीक लग रही है थोड़ी, पेड़ के नीचे। भाई साहब 3 बजने वाले हैं, अब 1:15 बजे चला था, बहुत टाइम हो गया चलते चलते। किलोमीटर तो गिने भी नहीं है मैंने कि कितने किलोमीटर हो गए हैं। और भाई अब घर जाके ना दो चीज़ें दिखाऊंगा। एक तो ये चेन सॉकेट, इसका तो पहले से ही था कि चेंज ही करवाना पड़ेगा। और ना इस वाले शॉकर में से पानी या वो ग्रीस टाइप कुछ निकल रहा है, तो इस पर भी लग रहा है, इस पर भी लग रहा है, ये देखो टंकी पे भी आ रहा है। और वो वाला सूखा है, उस पर कुछ नहीं है। तो ये दो चीज़ें दिखवाऊँगा जाके। ये ट्रिप भी सही रही, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट सी। बट यार जैसलमेर बहुत ज़्यादा दूर है, एक तो लैंडस्केप में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। राजस्थान वाला टच जयपुर से ही चालू हो जाता है, फिर वो जैसलमेर तक लगभग लगभग सेम सा ही रहता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। Way back before we blew it all. Too many things going on. I can't keep track of them all. From people dropping a bomb. आज मेरा ना एकदम slow जाने का मन कर रहा है। 20-30 की स्पीड पे आराम से चलते रहो। आज वैसा वाला मज़ा आ रहा है एकदम, वो शाम से ढल रही है, आराम आराम की स्पीड से जाओ, इधर उधर देखो, हल्की हल्की ठंडी हवा। ये मौसम यार कर रहा लगता है मेरे को, ये जो दिवाली वाला होता है ना, दिवाली और दिवाली के बाद ये जो थोड़ी थोड़ी ठंड आना शुरू होती है, दिन छोटे जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं। और दिन छोटे मतलब ज़्यादातर टाइम ऐसा लगता है कि शाम हो रही है, बढ़िया लगता है एकदम। तो देखो बकरियां घास चर रही हैं। तो कुत्ते साइड में हो, आज आराम आराम से ही जाऊँगा, जितने भी बच जान दो, क्या फ़र्क पड़ता है जल्दी पहुंच के यार। भाई भरतपुर आने वाला है, 16 किलोमीटर बचा है बस। भरतपुर पे जाके कुछ खाऊंगा और इसमें पेट्रोल भरवाऊंगा, एक डंडा रह गया है,
हालांकि एक डंडे में भी रहता है 4-5 लीटर, पर अपने को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का। A greater thirst, a hunger, pain, immersed. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again. I need a couple friends. One bite, fast food and family restaurant. उस वाले में तो नहीं थी जगह, ये वाला चालू था। उन्होंने कहा भाई जगह नहीं, मतलब वो ऑन नहीं था। उसने बोला कि भाई बंदा नहीं है हमारा बनाने वाला, इसमें आ जाओ। तो मैंने तो एक सैंडविच खा लिया, वेज सैंडविच, बढ़िया था एकदम। भरवा लिया है पेट्रोल, अब कितनी रेंज बता रहा है, 555 किलोमीटर, 555, और जाना है 150। भाई बाईपास वाईपास सब क्रॉस हो गया, आगरा रोड पे आ गया हूँ मैं। पिछली बार धौलपुर से कट लिया था ना, जो वो वाला कट नहीं है, उस कट से थोड़ा आगे आ गया था मैं। तो मैप लगाया तो वो सीधा ये मनिया से पहले जो आगरा और मनिया के बीच में जो ये बाईपास आता है उससे होते हुए मुझे लेके आया। क्या ज़्यादा फ़र्क नहीं था, मैंने मैप में चेक किया तो दोनों बराबर ही टाइम ले रहे थे। डिस्टेंस का थोड़ा ज़्यादा था ये वाला, पर टाइम बराबर ही लग रहा था। चलो कोई नहीं, अब 100 किलोमीटर बचा हुआ है, अब लगेंगे 2 घंटे, जाते हैं आराम आराम से। देखना ऐसे ऐसे जाते हैं, ना किसी को जाने देंगे ना खुद चलेंगे। चलो एक आध रुका, तो कहाँ से जाएं भैया जगह तो। कितना बचा ग्वालियर? 74, धौलपुर 13। Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that. रात में तो चंबल एकदम ऐसा लगता है ना, खतरनाक। बस ये थोड़ी बहुत लाइट्स जो ये गाड़ियां हैं इन्हीं की दिखती हैं। आ गए भाई फाइनली ग्वालियर अपन। बस थोड़ी देर में पहुंचेंगे घर। तो दोस्तों अब बस 5 मिनट में मैं घर पहुंच जाऊंगा, और यार अब थक रहा हूं तो वहां जाके बस आराम ही करूंगा, वीडियो तो बनाऊंगा नहीं। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो, और इंस्टाग्राम को भी यार कर लो फॉलो, है ना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।